अब हम आते हैं सैदिना इब्राहिम के किस्से की तरफ लेकिन इससे पहले ये वजाहत कर दें कि सैदिना इब्राहिम के वाकये के साथ चंद दूसरे अम्बिया अंबिया हैं के वाकयात भी वाबस्ता है मसला सैदिना लूतम का वाकया इसलिए कि ये सैदिना इब्राहिम के भतीजे भी हैं और उनके पैरोकार भी इसी तरह आपके साहेबजादों सयदिना इस्माईल और इसहाक के साथ साथ चलते हैं इसकी वजह यह है कि सैयदिना इस्माईल अम की विलादत के वक्त इब्राहिम की उम्र सतासी साल थी और इसहाक इसहाकलाम की पैदाइश के वक्त सैदिना इब्राहिम की उम्र सौ साल थी जबकि सैदिना इब्राहिम की कुल उम्र एक साल हुई इसलिए उनके वाकयात साथ साथ चलते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाते हुए इन हजरत का जिक्र साथ साथ जरूर आएगा तो आइए शुरू करते हैं किस्सा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का साले अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया है अजीमुल मर्तबत और उलुल अज़्म पैगम्बर है आपके वालिद का नाम तारिख था जबकि उसका लकब आजर था आजर मदद करने वाले को कहते हैं ये शख्स अपने कबीले के अफराद की मदद किया करता था गमखारी करता था इसलिए उसका लकब आजर मशहूर हो गया था मजीद में इब्राहिम का किस्सा तिहत्तर मकामात पर जिक्र हुआ है ये तिहत्तर मकामात पच्चीस सूरतों में है और ये बात इब्राहिम के बुलंद मर्तबत होने पर दलालत करती है इब्राहिम भी साम बिन अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। आपकी पैदाइश इराक के मशहूर शहर बाबिल में हुई ये इराक के शिमाल में वाक था और आज भी मौजूद है बहुत बड़ा शहर है उस वक्त भी बड़ी आबादी पर मुश्तमिल था यहाँ बुतप्रस्ती आम हो चुकी थी अल्लाह तूरतल अबूत आयत पच्चीस में फरमाते हैं इब्राहिम ने कहा की तुमने जिन बुतों की परस्तिश अल्लाह के सिवा की है उन्हें तुमने अपनी आपस की दुनियावी दोस्ती के बिना पर मबूत ठहरा लिया है मतलब ये कि वो लोग अल्लाह की इबादत बुतों को अल्लाह का शरीक ठहरा करते थे इब्राहिम ने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियां जिनके तुम मुजाविर बने बैठे हो क्या हैं? उन्होंने जवाब दिया हमने अपने बाप दादों को इन्हीं की इबादत करते पाया है अल्लाह ताला इनके बारे में फरमाते हैं नबी इन्हें इब्राहिम का किस्सा सुना दो जबकि उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया तुम किसकी इबादत करते हो कहने लगे बुतों की। हम तो बराबर उनके मजावर बने बैठे हैं इब्राहिम ने फरमाया जब तुम उन्हें पुकारते हो तो क्या वो सुनते भी हैं? या तुम्हें नफा और नुकसान पहुंचा सकते हैं उन्होंने कहा ये हम कुछ नहीं जानते हमने तो अपने बाप दादों को इसी तरह करते पाया है मतलब ये, ये परस्ती उन्हें वरसे में मिली थी। वो जिन की इबादत करते थे न वो उनकी पुकार को सुनते थे न ही उनके नफा और नुकसान पर कादिर थे इसीलिए इब्राहिम उन्हें झिझोड़ रहे थे लेकिन अंधी तकलीद और बशरी अकल के बेकार हो जाने ने उन्हें ये सब सोचने से आरी कर दिया था अल्लाह ताला ने इब्राहिम की ख़ुसूसी रहनुमाई फरमाई थी जैसा कि सूरत अंबिया आयत इक्यावन में है कुन् और हमने इब्राहिम को पहले से हिदायत अता फरमा दी थी और हम उसे जानते थे इब्राहिम ने कभी एक लम्हे के लिए भी बुतों की पूजा नहीं की थी आपने अपनी कौम को बुतों की पूजा करते देखा तो उन्हें मलामत की एक अल्लाह की तरफ दावत दी और इस दावत की इब्तिदा उन्होंने अपने बाप से की अल्लाह सूरह मरियम में फरमाते हैं नबी किताब में इब्राहिम का जिक्र कर बेशक वो सच्चा नबी था जब उसने अपने बाप से कहा ए मेरे बाप बेशक मुझे वो इल्म अता हुआ है जो तुम्हें हासिल नहीं इसलिए मेरी इताद करें मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा ए मेरे बाप शैतान की इबादत न करें बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है इन बुतों की इबादत गोया शैतान की इबादत है इसलिए आपने इन माबूदों को शैतान से ताबीर किया फरमाया मेरे बाप बेशक मुझे खौफ है कि तुम पर अल्लाह का आजाब आए फिर तुम शैतान के साथ ही हो जाओ बाप ने उनकी बात सुनकर कहा ए इब्राहिम क्या तू मेरे माबूदों से फिरा हुआ है अलबत्ता अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू मुझसे एक मुद्दत तक दूर हो जा, यानी मुझसे इतना दूर हो जा कि कभी मुझे नजर ना आए इब्राहिम ने अपने बाप पर नरमी और मेहरबानी करते हुए उनसे कहा आप पर सलामती हो मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश तलब करता रहूंगा लेकिन जब बाद में उन पर वाजे हो गया कि वो तो अल्लाह का दुश्मन है तो इब्राहिम उससे बेताल्लुक हो गए सूरह तौबा आयत 114 में अल्लाह फरमाते हैं وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه और इब्राहिम का अपने वाल के लिए बख्शिश तलब करना एक वादे की वजह से था जो वो उससे कर चुके थे लेकिन जब उन्हें मालूम हो गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो उससे बेजार हो गए बेशक इब्राहिम बड़े नरम और तहमुल वाले थे किसी ईमानदार के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी काफिर के लिए दुआ मगफिरत करे बल्कि मोमिन पर हराम है कि वो किसी काफिर या ईसाई वगैरह के लिए मक़फ़िरत तलब करे या उससे ये कहे कि अल्लाह तुझ पर रहम करे इब्राहिम के वालिद ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर तुम इस दावत से बाज ना आए तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा इसके जवाब में इब्राहिम अपने वालिद के साथ इंतहाई शफकत से पेश आए और उससे कहने लगे मैं आपके लिए अपने रब से इस्तफार करता रहूंगा इसलिए कि आप अपने वालिद पर बेहद मेहरबान थे इसलिए अल्लाह ताला भी इब्राहिम पर बेहद मेहरबान थे और आपका लकब रहमान रख दिया गया खुल्लत मोहब्बत का वो इंतहाई दर्जा है जिसके साथ दिल मोहब्बत से भर जाता है यानी वो बहुत से लोगों से बढ़कर अल्लाह को महबूब थे वालिद के सख्त जवाब के बाद इब्राहिम ने उनसे अलाहिदगी इख्तियार कर ली और उन्हें मुखातिब करके फरमाया मैं तुम्हें छोड़ता हूँ और जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो उनको भी छोड़ता हूँ मैं अपने रब को पुकारूंगा मुझे उम्मीद है मैं अपने रब को पुकार कर महरूम नहीं रहूंगा आप अल्लाह के प्यारे और पसंदीदा नबी थे जब आपने अपनी कौम को तोहहीद की दावत दी उस वक्त आप नौजवान थे आपकी उम्र सोलह साल थी साथ में आप इस बात पर गौर और फिक्र भी करते कि आखिर ये लोग बुतों की पूजा क्यों करते हैं आपका दिल उनके शिर पर बहुत कोड़ता आखिर आपने मुसम्मत इरादा कर लिया कि इस शर और फसाद की जड़ को काट कर रहेंगे यानी इन बुतों को तोड़ कर रहेंगे आप अपनी कौम को बुतों को तोड़ देने की धमकी देते रहे इस धमकी का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरतुल अंबिया आयत सतावन में किया है और अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे बुतों का इलाज करूंगा जब तुम पीठ फेर कर जा चुके होगे। गए ये बात इब्राहिम सलाम ने पोशीदा नहीं एलानिया कही थी आखिर इंतजार का वक्त खत्म हुआ ईद का दिन आ पहुंचा ईद के दिन वो लोग सुबह सवेरे घर से निकलने से पहले खाना पकाकर अपने पका के सामने रखते थे फिर शहर से बाहर एक मैदान में जमा होते वहाँ खेलते कूदते खुशियां मनाते नाच से चलते फिरते और खाना खाते शाम को घरों की तरफ आते सुबह बुतों के पास जो खाना रख गए थे उसको उठाते और तबर्रुक समझकर खा जाते अपने मामूल के मुताबिक उन्होंने ईद की तैयारी कर ली लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार न हुए इसलिए कि वो तो उनके साथ जाने का इरादा ही नहीं रखते थे वो लोग जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह की और फरमाया मैं बीमार हूं ये तमाम वाकया सूरतुल अंबिया आयात इक्यावन ता अठावन में बयान हुआ है यकीनन हमने इब्राहिम को पहले से हिदायत फरमा दी थी और हम उसे जानते थे, जबकि उसने अपने बाप से और अपनी कौन से कहा कि ये मूर्तियां जिनके तुम बने बैठे हो क्या हैं? सब ने कहा हमने अपने बाप दादों को इन्हीं की इबादत करते पाया है आपने फरमाया फिर तो तुम और तुम्हारे बाप दादा सभी यकीनन खुली गुमराही में मुब्तला रहे कहने लगे क्या आप सचमुच हमारे पास हक लाए हैं या यूं ही मजाक कर रहे हैं आपने फरमाया नहीं नहीं दर हकीकत तुम सब का परवरदिगार तो वो है जो आसमान और जमीन का मालिक है जिसने इन्हें पैदा किया है मैं तो ऐसी बात का गवाह और कायल हूँ और अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे इन माबूदों का इलाज तुम्हारी गैर मौजूदगी में करूंगा बस उसने उन सब के टुकड़े कर दिए अलबत्ता सिर्फ बड़े बुत को छोड़ दिया ये इसलिए किया कि वो सब उसकी तरफ लौटे इब्राहिम ने लोगों के साथ ईदगाह जाने से इनकार किया और उज्र पेश किया कि वो बीमार है। वो बीमार लोग आपको छोड़कर चले गए बाद में इब्राहिम उन बुतों के पास गए देखा कि उनके सामने खाना पड़ा है क्योंकि सब लोग खाना लाए थे इसलिए ये खाना बहुत ज्यादा था लेकिन उन झूठे माबूदों ने उसे खाना तो दरकिनार उसको छुआ तक न था इब्राहिम ने उन्हें मुखातिब करके कहा यह इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है तुम इसको खाते क्यों नहीं तुम्हें क्या हो गया कि बात तक नहीं करते फिर पूरी कुत से दाएं हाथ से कुल्हाड़ा मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि सब उसी की तरफ रुजू करें तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा उस बड़े बुत के कंधे पर रख दिया मुश्रकी मेले से लौटे तो देखा उनके सारे मबूद औंधे मुंह टूटे फूटे पड़े हैं उनके तमाम मबूदों को तोड़ दिया गया था वो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया किसने किया कहने लगे ये काम किस जालिम का है उसने हमारे मबूदों की तोहहीन की है उस वक्त जिन लोगों ने इब्राहिम का वो कलाम सुना था उन्हें उनका ख्याल आ गया, कहने लगे वो नौजवान जिसका नाम इब्राहिम है उसे हमने अपने बुतों की मजम्मत करते सुना है अल्लाह की कुदरत कि इब्राहिम का जो मकसद था वो खुद ब खुद पूरा हो रहा था कौन के लोग मशवरा कर रहे थे कि सबको जमा करो और उसे बुलाओ फिर उसे सजा दो चुनाचे तमाम आहले बातिल छोटे बड़े जमा हो गए कार्रवाई शुरू हो गई कहने लगे ए इब्राहिम हमारे मबूदो के साथ ये हरकत तूने की है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया ये काम तो इस बड़े बुद्ध का है मुझसे क्यों पूछते हो तुम अपने मबूदो से क्यों नहीं पूछ लेते कि उनके टुकड़े किसने उड़ाए हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर वो सब सोच में पड़ गए फिर कहने लगे हमने बड़ी गलती की अपने मबूदो के पास किसी को हिफाजत के लिए नहीं छोड़ा इस कदर वाजह बात महसूस करके भी वो जालिम ईमान न लाए बल्कि शैतान ने उनके दिलों में वसफसा डाला और उन्होंने गौर फिक्र करके कहा इब्राहिम, क्या तुम्हें इल्म नहीं ये तो बेजुबान है ये बोल नहीं सकते अब इब्राहिम ने फरमाया तब फिर तुम अल्लाह के सिवा उस चीज की इबादत करते हो जो तुम्हें कुछ भी नफा न दे सके और नुकसान पहुँचा सके ताज्जुब है तुम पर और उन पर भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो क्या तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं इस तरह इब्राहिम ने उन पर हकीकत खूब अच्छी तरह वाजे कर दी उनसे फरमाया तुम उनकी पूजा करते हो जिनको तुम खुद तराशते हो यानी उनका हाल तो ये है कि तुमने उनको खुद अपने हाथों से तराशा और उनकी इबादत करने लगे जबकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया है इब्राहिम ने एक कुल्हाड़े की मदद से उन सब को तहस नहस कर दिया था ये इस बात की वाजे तरीन निशानी थी कि ये बिल्कुल बेबस हैं। लेकिन इस वाजे निशानी के बावजूद वो अपने कुफर ही पर डटे रहे और लगे इब्राहिम को धमकियां देने कहने लगे इसके लिए एक कदा बनाओ और इसे इस दहकती आग में डाल दो। फिर उन लोगों ने एक चटियल मैदान का इंतख्या किया जहाँ मिट्टी नाम की कोई चीज नहीं थी उस मैदान को पत्थरों की बाढ़ के साथ घेर दिया गया फिर सब लोगों को हुक्म दिया गया कि वो लकड़ियाँ जमा करके उस घेरी हुई जगह में रखें। चुनाचे सब लोग लकड़ियां जमा करके वहां लाने लगे यहां तक कि औरतों और बच्चों ने भी इस काम में बढ़ चढ़ हिस्सा लिया मैदान में इतनी लकड़ियां जमा हो गईं कि जमीन नजर नहीं आती थी ये लकड़ियां जमीन पर एक ऊंची दीवार महसूस होती थी फिर इन लकड़ियों को आग लगाई गई जब आग के शोले आसमान से बातें करने लगे तो उन्होंने इब्राहिम सलाम को आग में डालने के लिए एक झूला तैयार किया इसमें सैयदना इब्राहिम को रखा गया उस वक्त आपने ये दुआ पढ़ी हमें अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है ये कलेमा हर मोहताज और मुसीबत जदा को पढ़ना चाहिए बुखारी में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसबू अल्लाह वकील इब्राहिम अलैहि सलाम ने उस वक्त फरमाया था जब उन्हें आग में फेंका जाने लगा था मतलब ये कि हम अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं उसके सिवा हमारा किसी पर भरोसा नहीं बाज रिवायात में ये भी है कि जब इब्राहिम को आग में डाला जाने लगा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा ए इब्राहिम कोई हाजत है तो मैं हाजिर हूँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम अपनी मर्जी से आए हो तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं एक दूसरी रिवायत में है कि बारिश के फरिश्ते ने हाजिर होकर कहा था ए इब्राहिम मुझे हुक्म दीजिए मैं बारिश बरसाकर इस आग को बुझा दूं। लेकिन ऐसी तमाम रिवायात जयीफ है यूं भी अल्लाह का हुक्म उनसे पहले काम करने वाला था अल्लाह तूर अम्बिया आयत उनहत्तर और सत्तर में फरमाते हैं

इब्राहिम का बुरा चाहा, लेकिन हमने उन्हें ही नुकसान पाने वाला कर दिया चुनाचे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो ठंडी हो गई इब्ने अब्बास रजी अल्लाह फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला आग से ये ना फरमाते कि सलामती वाली ठंडी हो जा तो वो इस कदर सर्द हो जाती कि उसकी ठंडक से तकलीफ महसूस होती गोया आग भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जला सकती छुरी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं काट सकती इसलिए यह भी अल्लाह की मखलूक है और उनकी कुदरत भी अल्लाह के पास है वो चाहे तो उनको कुदरत अता कर दे चाहे तो कुदरत वापस ले ले आग को ठंडा होने का हुक्म हुआ वो ठंडी हो गई उसने न इब्राहिम अलहलाम के कपड़े जलाए न जिसम के किसी हिस्से को कोई नुकसान पहुंचाया सिर्फ वो रस्सिया जलाई जिनसे आपको बांधा गया था सुबहान अल्लाह लोग आग के इस इंतजार में खड़े थे कि जो ही उन्हें आग में फेंका जाएगा वो जलकर राख हो जाएंगे लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि इब्राहिम बड़े नास से आग के दरमियान बैठे हैं बाज रिवायात में है कि इब्राहिम फरमाया करते थे मुझे उन दिनों जो राहत और सुकून हासिल था वैसा आग से निकलने के बाद नहीं हुआ लोग इस मोज़े को देखकर कर हैरत जता थे फिर इब्राहिम अलह सलाम आग से निकले इतना बड़ा मोज़ा देखने के बावजूद लूत सलाम के सिवा कोई शख्स पूरे बाबिल शहर से उन पर ईमान न लाया अल्लाह ताला फरमाते हैं तो बस इब्राहिम पर लूत ईमान लाए मतलब ये पूरी बस्ती से लूत सलाम थे जो आप पर ईमान लाए थे बाकी तमाम लोग कुफर ही पर डटे रहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनका रवैया देखकर कर नाउमीद हो गए कि इससे बढ़कर ये कौन सा मोजा देखना चाहते हैं उनके बुतों को तोड़ दिया गया अपनी आंखों से अल्लाह की निशानी उन लोगों ने देखी फिर भी ये ईमान नहीं लाए चुनाचे आपने वहां से हिजरत का इरादा फरमा लिया उस वक्त बाबिल पर नमरूद नामी बादशाह की हुकूमत थी कहा जाता है कि जमीन के बेशतर हिस्से पर इसी की हुक्मरानी थी जब उसके पास ये खबरें पहुंची कि इब्राहिम को आग में डाला गया लेकिन आग ने उन्हें नहीं जलाया तो उसने इब्राहीम को अपने दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। इब्राहीम को वहाँ लाया गया नमरूद ने उनसे उनके रब के बारे में सवाल किया अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत दो सौ अट्ठावन में फरमाते हैं फी अन क्या तूने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहिम से उसके रब के मुतालिक झगड़ा किया इसलिए कि अल्लाह ने उसे सल्तनत दी थी एक रिवायत में है कि चार बादशाहों ने जमीन के बेशर हिस्से पर हुक्मरानी की है उनमें से एक नमरूद है नमरूद अपने वक्त का हाकिम और बादशाह था इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब उसकी अल्लाह ताला के बारे में बातचीत हुई तो इब्राहिम ने कहा मेरा रब वो है जो जिंदा करता है, है। जवाब में कहा कि जेल से दो आदमियों को लिया जेल से दो ऐसे आदमियों को लाया गया जिनके लिए सजाए मौत का फैसला हो चुका था उसने उनमें से एक के कत्ल का हुक्म दिया दूसरे को मुआफ कर दिया इससे उसने ये साबित करना चाहा कि वो भी जिंदा कर सकता है और मौत दे सकता है और कहने लगा देख लो मेरे हुक्म से लोग मरते हैं और मेरे हुक्म से उन्हें जिंदगी मिलती है इसकी बात सुनकर इब्राहिम ने गौर किया कि अगर वो इससे मौत और हयात के बारीक फलसफे पर बहस करेंगे तो नमरूद का मकसद पूरा हो जाएगा और मेरा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा इसलिए बहसो मुबाहसे की बजाय कोई मजबूत दलील पेश कर दी जाए ताकि हकोान फर्क वाज हो जाए चुनाचे आपने फरमाया बेशक अल्लाह सूरज को मशरक से लाता है तू उसको मगरब से ले आ काफिर बादशाह ये सुनकर मबूत रह गया उसका सर झुक गया अल्लाह ताला फरमाते हैं तब वो काफिर हैरान रह गया और अल्लाह ना इंसाफों को सीधी राह नहीं दिखाता इन तमाम बातों के बाद नमरूद को यह मालूम करने की जरूरत नहीं रही कि इब्राहिम आग से कैसे निजात पा गए क्योंकि हकीकत उस पर गएकार हो चुकी थी वो जान गया था कि असल मुआमला क्या है चुनाचे उसने इब्राहिम से कहा आप इस मुल्क से निकल जाइए हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे इब्राहिम ने इराक को खैरबाद कहा और शाम की तरफ हिजरत कर गए यहाँ आकर वो हर्रान नामी बस्ती में मुकीम हुए इसी जगह आपने अपने चचा हारान की बेटी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम से शादी की अल्लाह ताला इस हिजरत के बारे में फरमाते हैं लूतन और हम उसे यानी इब्राहिम और लूट को बचाकर उस जमीन की तरफ ले आए जिसमें हमने जहान के लिए बरकत रखी थी जब आप हर्रान के मकाम पर पहुंचे तो वहीं ठहर गए वहीं रहने लगे यहाँ आकर आपका शुमार बनु हर्रान में होने लगा आप लोगों को इसी शहर में रहने की दावत देते इस शहर के लोग भूतों की पूजा नहीं करते थे बल्कि सितारों को पूजते थे इब्राहिम ने जब इनकी ये हालत देखी तो इरादा कर लिया कि इन लोगों को बताएंगे कि सितारों की इबादत करना बातिल है ये लोग चूँकि नजूम परस्त थे इसलिए इनकी इबादत का वक्त रात को होता था और ये लोग रात के वक्त इबादत करते थे क्योंकि इनके माबूद यानि सितारे रात ही को तुलू होते हैं चुनाचे इब्राहिम इन्हें ये दिखाने के लिए कि इन चीजों की इबादत बातिल है एक दिन इनके साथ निकले अल्लाह ने आसमान के दरवाजे खोल दिए तो इब्राहिम ने चांद सितारों सैयारों और आसमान और ज़मीन की सल्तनत को देखा अल्लाह अलैहिस्सलाम से तमाम पर्दे खत्म कर दिए जो आम तौर पर लोगों की आंखों पर होते हैं और उन्होंने वो कुछ देखा जिसे आज की रसद गाहें भी नहीं देख सकती अल्लाह तूरतलान अनआम आयत पिछहत्तर में फरमाते हैं और इसी तरह हमने इब्राहिम को आसमान और जमीन की सल्तनत का मुशाह करा दिया ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए बाज मुफरीन ने लिखा है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला ने अलैहिस्सलाम को इसलिए दिखाया था कि वो सितारों की परस्तिश करते थे फिर अल्लाह ताला, ताला ने अपनी इबादत की तरफ उनकी रहनुमाई फरमाई जिन मुफसरीन ने ये बात लिखी वो गलती पर हैं, क्योंकि एक जलीलुल कदर रसूल के मुतालिक ऐसा गुमान करना कबीरा गुनाह है आसमान और जमीन की सल्तनत और दीगर मौजाद दिखाने के बाद अल्लाह फरमाते हैं आसमान और जमीन की पैदाइश यकीनन इंसान की पैदाइश से बहुत बड़ा काम है अल्लाह ताला एक दूसरे मकाम पर फरमाते हैं आसमान और जमीन में बहुत सी निशानियां हैं जिनसे ये मुंह मोड़ कर गुजर जाते हैं इब्राहिम हर्रान शहर के सितारा परस्तों को लेकर एक रात निकले। अचानक एक सितारा तुलू हुआ उसकी चमक दमक बहुत थी शक्ल सूरत के लिहाज से भी बहुत खूबसूरत था उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बतौर मजाक कहा यह मेरा रब है लेकिन जब वो सितारा कुछ देर बाद छुप गया तो कहने लगे ये तो हो गया ये रब कैसे हो सकता है जो छुप जाए वो रब नहीं हो सकता पस मैं तो गुरूब होने वालों को पसंद नहीं करता अगले रोज वो फिर इन लोगों को साथ लेकर निकले तो चांद को देखा ये शक्ल सूरत में सितारों से कहीं ज्यादा खूबसूरत था रोशन था लेकिन ये भी गुरुब हो गया तो इब्राहिम कहने लगे अगर मुझे मेरे रब ने हिदायत न की तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा ए अल्लाह तू कहा है अपनी तरफ मेरी रहनुमाई कर इन बातों से इब्राहिम उन लोगों को गौर फिक्र की दावत दे रहे थे ताकि वो गौर करें आखिर रब छुप कैसे सकता है अगर चांद रब है और दिन के वक्त किसी को अपने माबूद की हाजत होगी तो वो क्या करेगा लिहाजा चांद किसी सूरत रब नहीं हो सकता फिर जब दिन चढ़ा और सूरज तुलू हुआ तो कहने लगे ये मेरा रब है ये तो सबसे बड़ा है फिर लोगों को मुखातिब करके कहने लगे तुम रात को छोटे छोटे सितारों की पूजा करते हो क्यों ना तुम इतने बड़े एक ही रब की पूजा कर लो लेकिन जब वो भी गुरु हो गया तो कहने लगे यकीनन मैं तुम्हारे शिफ से बेजार हूं ये माबूद कैसे हो सकते हैं इनमें तो तब्दीली आती रहती है कभी तुलू होते हैं कभी गुरूब होते हैं ये इस बात की दलील है कि यह मखलूक है और इनका खालिक कोई और है जिसके हुक्म के ये ताबे हैं जब ये खुद मखलूक हैं और किसी और के ताबे हैं तो किसी को नफा नुकसान पहुंचाने पर किस तरह कादिर हो सकते हैं फिर अपनी कौम को मुखातिब करके कहने लगे मैं अपना रुख उसकी तरफ करता हूं जिसने आसमानों को यकसू होकर पैदा किया और मैं शिर करने वालों में से नहीं हूं अब भी वो अपनी बात पर अड़े रहे तब आपने फरमाया तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ रहे हो मुझे तो अल्लाह राह दिखा चुका है और उसने मुझे दलील अता फरमाई है मैं यकीनन जानता हूं कि तुम्हारे तमाम माबूद बेबस और बेताकत हैं जाओ तुमसे और तुम्हारे इन माबूदों से जो हो सके कर लो मेरे रब की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता मेरे रब ने हर चीज के इल्म को अपने घेरे में ले रखा है क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करोगे और मैं तुम्हारे मबूदों से खौफ क्यों खाऊं? तुम अल्लाह से नहीं डरते उनको अल्लाह का शरीक ठहरा रहे हो अल्लाह ने इसकी कोई दलील नाजिल नहीं की अगर तुम में सही इल्म है तो तुम ही बतला दो कि हम दोनों जमातों में से अमन का ज्यादा हकदार कौन है उन्हीं के लिए है जो ईमान लाने के बाद दीन को शिरक से खलत मलत नहीं करते हकीकत में हिदायत या फ्ता वही लोग हैं यही हमारे वो दलाल थे जो हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के मुकाबले में अता किए थे और हम जिसे चाहें मर्तबे में बढ़ा दें बेशक तेरा रब बड़ी हमत वाला है उन लोगों ने फिर भी कुफर ही किया कोई भी ईमान न लाया चुनाचे इब्राहिम ने एक बार फिर हिजरत की और मिस्र जा पहुंचे। मिस्र जा के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है। वो बहुत ज़्यादा और जमील है चुनाचे उस जालिम ने अपने कारिंदों को भेजा कि उस औरत को मेरे पास ले आओ साथ ही उससे पूछना कि तुम्हारे साथ जो आदमी है वो कौन है अगर वो उसका खावंद हो तो उसे कत्ल कर देना उधर बादशाह ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया इधर अल्लाह ने इब्राहिम की तरफ वही भेज दी उन्होंने सारा से कहा अगर वो तुझसे मेरे बारे में पूछें, तो बता देना तुम मेरी बहन हो फिर सारा से बोले ऐ सारा रूए जमीन पर मेरे और तेरे सिवा कोई मोमिन नहीं यानी ये काफिरों की सरजमीन है यहाँ कोई मोमिन नहीं इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो फिर बादशाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेश करने का हुक्म दिया। उसने आप से पूछा, ये औरत कौन है आपने फरमाया ये मेरी बहन है इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में तीन मौके ऐसे आए कि उन्होंने अल्लाह के दीन की हिमायत और मुदाफात के लिए तौरिया किया तौरिया का मतलब यह है वाकया कुछ और हो लेकिन कोई शख्स किसी खास मसले की वजह से उसे दो चीज़ की तरफ हो जाए शरीय ने बाजू हालात में इसकी इजाजत दी है वो तीन मवा जहाँ इब्राहिम ने तोरिया फरमाया उनकी वजाहत कुछ इस तरह है एक ये कि आपने मेले पर न जाने की गरज से उन लोगों से कहा था कि मैं बीमार हूं दूसरे मौके पर यह फरमाया था यह काम इस बड़े सरदार का है। तीसरे सारा को दीनी बहन करार दिया उस जालिम बादशाह ने सारा को अपनी तहवील में ले लिया जब सारा को मालूम हुआ कि वो एक बदकार शख्स है तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की ऐ अल्लाह तुझे मालूम है मैं तुझ पर और तेरे नबी पर ईमान लाई हूँ और अपने जिस्म को अपने खावंद के सिवा हर एक से महफूज रखा है लिहाजा आप इस काफिर को मुझ पर मुसलत न कीजिएगा चुनाचे उस काफिर बादशाह ने जब सैदा सारा को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ शल हो गया और अपनी जगह पर जम गया वो लगा चीख पुकार करने उसमें इतनी ताकत न रही कि अपने हाथ को हरकत दे सके उसकी आवाज सुनकर उसके मुहाफिज भागे हुए आए। उन्होंने सोचा अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे इसे मैंने कत्ल किया है चुनाचे उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि इसे छोड़ दिया जाए अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली उसका हाथ ठीक हो गया लेकिन वो जालिम फिर भी ना डरा उसने एक बार फिर आपकी तरफ हाथ बढ़ाया उसका हाथ फिर शल हो गया सैयदा सारा ने फिर दुआ की वो दोबारा ठीक हो गया वो फिर भी बाज न आया तीसरी बार फिर उसने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया इस बार भी उसका हाथ शल हो गया अब वो सैयदा सारा अलैहिस्सलाम से कहने लगा अब की बार अगर तू मुझे इस मुसीबत से नजात दिलाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा और कभी तेरे आड़े नहीं आऊंगा चुनाचे सैदा सारा अलम ने अल्लाह ताला से दुआ की वो ठीक हो गया तब उसने अपने कारिंदों को आवाज दी और उनसे बोला तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं बल्कि सरकश जिन को लाए हो फिर उसने उन्हें रिहा कर दिया इज्जत इकराम से रुखसत किया और उनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी हाजरा को साथ कर दिया सारा अलैहिस्सलाम वापस लौटी तो देखा कि इब्राहिम नमाज पढ़ रहे हैं नमाज के बाद उन्होंने पूछा सारा उसने तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया सैदा सारा ने सारा वाकया सुना दिया सुनकर आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बोले अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बल्कि वापस जाएंगे चुनाचे आप एक बार फिर फिलिस्तीन में आ गए वहीं अपनी जिंदगी बसर करने लगे अब हम आगे बढ़ते हैं जब आप फिलिस्तीन में मुस्तकिल तौर पर रिहायश पजीर हुए तो लूत अलैहिस्सलाम भी आपके साथ थे लूत अलैहिस्सलाम आपके भतीजे थे उनके वालिद का नाम हारान था ये बचपन ही से सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जेर साया रहे उन्हीं के हां परवरिश पाई इसलिए दीन हक फौरन कबूल कर लिया जब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इराक से शाम की तरफ हिजरत की तो ये आपके साथ थे वहां से हर्रान गए तब भी साथ थे फिर मिस्र की तरफ हिजरत की तो भी लूत सलाम उनके साथ थे आखिरकार जब आपने मिस्र को भी खैरबाद कहा और फ़िरस्तीन आ गए तब भी ये साथ थे अब इब्राहिम ने लूत सलाम को हुक्म दिया कि वो बस्ती सदूम की तरफ चले जाएं। इसलिए कि इस बस्ती के लोग कुफर की इंतहाई गहराई में जा चुके हैं उन्हें कुर शिरक से निकालने के लिए वहां जाए उन्हें अल्लाह के अहकाम सुनाए अल्लाह की तरफ दावत दें। चुनाचे लूत तो उस तरफ रमाना हो गए, और इधर फिलिस्तीन में सिर्फ तीन मुसलमान रह गए इब्राहिम उनकी जौजा मोहतरमा सय्यदा सारा और सय्यदा हाजरा वहीं रिहायश पजीर रहे और लोगों को मुसलसल अल्लाह की तरफ दावत देते रहे यहाँ ये बेशुमार मालो दौलत के भी मालिक बन गए जब उनकी उम्र पिचासी या साल हुई, तो सारा ने सोचा मैं बांझ हूँ मेरे खामन बूढ़े हैं लेकिन औलाद की तमन्ना है तो क्यों न मैं अपनी लौंडी, हाजरा हदीए और तोहफे के तौर पर इब्राहिम को दे दो चुनाचे हाजरा इब्राहिम को मिल गई उन्होंने उनसे शादी कर ली अल्लाह इज्जत ने जल्द ही उनके बतन से आपको इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाए हाजरा अम के माँ बनने पर और उनकी औलाद को देखकर कर सारा सारा को फितरी तौर पर गैरत का एहसास हुआ अल्लाह की कुदरत देखिए खुद ही उन्हें हाजरा को तोहफे में दिया ताकि औलाद हासिल हो और जब वो माँ बन गई तो अब गैरत महसूस कर रही है अपनी इस कैफियत से मजबूर होकर सैदा सारा ने इब्राहिम से कहा आप मुझे उसके साथ एक जगह पर न रखें। मर्रखीन और सीरत निगार लिखते हैं कि हाजरा एक निताक पहना करती थी यानी वो जिस्म के दरमियान एक लंबा कपड़ा लटका लेती थी ताकि वो कपड़ा घिसट घिसट कर कदमों के निशानात मिटा दे और सारा को नजर न आए क्योंकि सारा गैरत की हद को पहुंच चुकी थी इब्राहिम ने जब सारा के अंदर गैरत के आसार देखे तो हाजरा को उनकी निगाहों से दूर कर दिया उधर अल्लाह का हुक्म भी नाजिल हो गया कि अपनी बीवी हाजरा और दूध पीते बच्चे इस्माइल को साथ ले लें और मक्का की तरफ रुख कर लें इब्राहिम मक्का की तरफ रवाना हुए यहां तक कि मक्का पहुंच गए यह जगह उस वक्त बिल्कुल वीरान और बेआबाद थी ना कोई इंसान था ना पानी ना नबातात के आसार थे गरज कोई चीज नजर नहीं आती थी बस पहाड़ों के दरमियान एक बे मैदान था यही वो मुकद्दस और तारीखी वादी थी जहां इब्राहिम अपनी जोजा और लखते जिगर को छोड़कर वापस पलटे सय्यदा हाजरा अलैहिस्सलाम को बहुत हैरत हुई उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उनके खावंद उन्हें एक बेआबाद जगह तन्हा छोड़कर चल देंगे इस पर बच्चे की जिम्मेदारी अलग थी चुनाचे उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आवाज दी लेकिन उन्होंने मुड़कर भी न देखा अब वो उनके पीछे आई और करीब पहुंचकर कर बोले ए इब्राहिम हमें कहाँ छोड़े जा रहे हो यहाँ न पानी न खुराक न कोई इंसान इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर भी कोई जवाब न दिया कोई परेशानी भी जाहिर न की और चलते रहे सैयदा हाजरा भी आपके पीछे चलती रहीं और पूछती रहीं कि हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं यहाँ तो कोई भी जानदार नहीं मुकम्मल तौर पर बे इलाका है लेकिन उन्होंने अब भी कोई तवज्जो आखिर सैयदा हाजरा ने कहा क्या आपको अल्लाह ने इस काम का हुक्म दिया है अब आपने जवाब में फरमाया हाँ तब सैयदा हाजरा बोली अगर ये बात है तो अल्लाह हरगिज हमें जाया नहीं होने देगा जब इंसान अल्लाह के अहकाम को बजा लाए तो उसके दिल से फक्र फाके का खौफ निकल जाता है। और अल्लाह उसे तरह तरह के इनाम से नवाजता है इंसान जब तक अल्लाह के को बजा लाता रहेगा, तब तक की नुसरत और उसकी तयद शामिल हाल रहेगी चुनाचे जू ही हाजरा सलाम को पता चला की उन्हें तनहा छोड़ जाना अल्लाह के हुक्म की बिना पर है तो फौरन यकीन भरे लहजे में बोली तब अल्लाह हमें जाय नहीं करेगा ये कहकर वो अपने शीर खार बच्चे की तरफ पलट गए खुराक और पानी चंद दिन में खत्म हो गए पानी का एक कतरा पास न रहा अब पानी की तलाश शुरू की लेकिन अपने लिए तो दरकिनार माँ को बेटे के लिए भी पानी न मिला न खुराक अब बच्चा लगा भूख से बिलकने खुराक न मिलने की वजह से माँ का दूध भी खुश्क हो गया था औरत कितने भी बाहौसला हो अपने बच्चे को भूख से बिलकते नहीं देख सकती अब उन्होंने बच्चे को वहीं छोड़ा और तेजी से करीबी पहाड़ी सफा की तरफ लपकी ऊपर चढ़कर इधर उधर नजर दौड़ाई कि शायद किसी तरफ पानी या खुराक नजर आ जाए या किसी इंसान की झलक नजर आ जाए जब कुछ नजर न आया तो नशेब की तरफ चली साथ में बच्चे की तरफ भी देखती जाती थी नशेब में पहुंची तो बच्चा नजरों से ओझल हो गया इस पर और बेचैन हुई और बुलंदी की तरफ दौड़ी इस तरह मरवा पहाड़ी पर चढ़ गई वहां भी चारों तरफ निगाह दौड़ाई लेकिन कुछ नजर न आया ख्याल आया कि फिर कोशिश करनी चाहिए इस ख्याल से मरवा पहाड़ी से उतरी और सफा की तरफ चल दी दरमियान में नशेब की वजह से बच्चा नजर न आया तो दौड़ने लगी इस तरह फिर सफा पर चढ़ गई अल्लाह वक एक तो औरत कमजोर फिर भूख प्यास से निढाल इस पर किस कदर सही और कोशिश में मसरूफ वो भी अपने बच्चे के लिए बहरहाल बार बार कोशिश के ख्याल से उन्होंने सफा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान सात चक्कर लगाए यही वजह है मुसलमान आजमीन हज सफा व मरवा के दरमियान सही करते हैं ताकि इस की याद ताजा हो जाए जब वो आखिरी मरतबा मरवा पर पहुंची तो उन्होंने एक आवाज सुनी ये आवाज इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब से आई थी उन्होंने पूरी तवज्जो से आवाज को सुनने की कोशिश की और जल्दी से इस्माइल के करीब पहुंची क्या देखती हैं? इस्माइल के कदमों के नीचे से पानी फूट रहा है क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस साबिरा खातून की मदद के लिए भेजा था उन्होंने जमजम वाली जगह पर अपना पर मारा तो इस्माइल के कदमों के पास से एक अजीम रहमत नमूदार हुआ मुस्तबिल के पैगम्बर के कदमों के नीचे से अल्लाह ने जबरील फरिश्ते के जरिए जमीन फाड़ कर पानी निकाल दिया यही आब जमजम का आगाज था हाजरा पानी को आंखें फाड़ फाड़ कर हैरत से देख रही थी उनकी खुशी की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा पानी फूट फूट कर चारों तरफ बह रहा है जमीन हमवार थी इसलिए उन्होंने जमीन को खोदना शुरू कर दिया ताकि पानी इधर उधर न बह जाए फिर उन्होंने उस गढ़े के चारों तरफ पत्थर रख दिए और जुबान से बोली, जम जम। इसका मतलब है रुक जा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, رحمة الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت ل كانت زم عينا معينا अल्लाह इस्माइल की वालिदा पर रहम फरमाए अगर वो जल्दबाजी से काम न लेती तो जमजम एक बहने वाला चश्मा होता लेकिन उन्होंने इसके गिर्द बंद बांध दिया। उन्हें दरअसल उस वक्त पानी की शदीद जरूरत थी इसलिए उन्होंने पानी को अपने पास जमा कर लिया ताकि बहकर जाए न हो जाए उन्होंने इस्माइल को पानी पिलाया खुद भी खूब पिया और ये अल्लाह ताला की तरफ से उनकी मेहमान नवाजी थी वहां कोई और इंसान नहीं था ना खाने की कोई चीज थी बस यही आबे जमजम उनके लिए खाने और पीने का काम दे रहा था अब चूंकि जमजम एक चश्मा बन गया था इसलिए परिंदे भी आने लगे उन्हीं दिनों अरब के कबीलों में से एक कबीला बनु जुरहुम यमन को खैरबाद कहकर इस तरफ आ रहा था यमन में एक बहुत बड़ा डैम था पहाड़ों के दरमियान उन्होंने पानी को रोककर एक बहुत बड़ा बंद कायम कर रखा था उससे पूरा साल आसानी से खेती बाड़ी करते थे इस डैम की बदौलत उनका आबपाशी का निजाम बहुत अच्छा था जब उस डैम को अल्लाह ताला ने तोड़ा तो तमाम लोग वहाँ से मुंतशिर हो गए और जजीर अरब के अतराफ में मुंतकिल होने लगे वहीं से हिजरत करने वाला एक कबीला बनू जुरहुम था ये लोग बुनियादी तौर पर अरब थे ये कबीला सफर में रहता जहां कहीं पानी और चिरागाह नजर आते वहीं पड़ाव डाल देते जब वहां खुराक खत्म हो जाती तो आगे सफर शुरू कर देते चूंकि वो बहुत बड़े ताजिर थे इस बिना पर उन रास्तों से खूब वाकिफ थे उन्हें चश्मों का खूब इल्म था। मुल्के शाम की तरफ भी उनकी आमदो रफ्त थी ये कबीला बनु जुरहम मक्का के करीब पहुंचा तो फिजा में परिंदों को मंडलाते पाया कहने लगे इन परिंदों की मौजूदगी में जरूर कोई राज है अब उन्होंने अपने कुछ आदमी उस तरफ भेजे ये लोग जल्द ही चश्मे तक पहुंच गए उन्होंने वहां एक औरत और उसके बच्चे को पाया फिर वो लोग उनके पास आए वहां पड़ाव डालने की इजाजत मांगी सैदा हाजरा ने फरमाया ठीक है लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें उजरत अदा करना होगी उनके लिए ये सस्ता सौदा था उनके पूरे कबीले को सामान्य जिंदगी मिल रहा था जबकि सिर्फ एक औरत और उसके बेटे की जिम्मेदारी उन पर आयद हो रही थी उन्होंने फौरन हामी भर ली और वहां रिहायश अख्तियार कर ली इस तरह ये लोग सैयदा हाजरा की मीशत का जरिया बन गए और इस तरह सैदिना इस्माइल अलैहिस्सलाम बनु जुरहम में परवरिश पाते रहे उन्होंने उन लोगों से अरबी सीख ली और उनसे भी ज्यादा अरबीदान बन गए फसाहत और बलागत से अरबी में बातचीत करने लगे फिर उनकी इस कबीले में शादी हो गई उनकी औलाद से अरब कौम का आगाज हुआ इन्हीं में से सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई बनु जुर्म की आमद और आबादी इब्राहिम सलाम की दुआ का नतीजा थी जब उन्होंने अपनी बीवी और बच्चे यानी दो कमजोर इंसानों को इस वीरान जगह छोड़ा था तो ये दुआ मांगी थी इन्नी अस्कन ए हमारे मैंने अपनी कुछ औलाद इस बे आबाद जंगल में तेरे हुरमत वाले घर के पास बसाई है यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या उस वक्त बैतुल्लाह की तामीर हो चुकी थी दुरुस्त बात यह है कि उस वक्त खाना काबा की तामीर नहीं हुई थी फिर सवाल पैदा होता है कि क्या इब्राहिम के जमाने से पहले इसकी तामीर हो चुकी थी या सिर्फ जगह ही मारूफ थी इस बारे में दो तरह की रिवायात है बाज में आता है कि सिर्फ इसकी जगह मारूफ थी और बाज में है कि इब्राहिम सलाम से पहले शीश अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर किया था और वो गर्दिश अयाम के साथ साथ मुनहदिम होकर खत्म हो गया लेकिन बाहर हाल इसकी जगह मालूम थी और वही पहला घर था जैसा की अल्लाह ने खबर दी है इन अल्लाह ताला ने पहला घर जो लोगों के लिए मुक्र किया था वही है जो मक्का में है और वो पूरी दुनिया के लिए बरकत और हिदायत वाला है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से यह दुआ मांगी थी بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إيه هم मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेखेती खेती के जंगल में तेरे हुरमत वाले घर के पास बसाई है ऐ हमारे ये इसलिए कि वो नमाज कायम करें पस्तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ मायल कर दे और उन्हें फलों की रोजियां आता फरमा ताकि ये शुक्र गुजारी करें दिन गुजरते रहे और इस्माइल अलैहिस्सलाम बनू जुर्म के माहौल में उम्र की मंजिलें तय करते रहे और वो होश संभालने के करीब हो गए इब्राहिम हर साल एक दो बार अपने घराने की देखभाल के लिए चक्कर लगाते थे जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो एक बार फिर एक अजीम आजमाइश का वक्त आ गया हुआ कि एक मरतबा इब्राहिम मक्का तशरीफ लाए एक जगह आराम के लिए बैठे कि नींद की वादी में पहुंच गए नींद में उन्होंने ख्वाब देखा कि अपने लख्ते जिगर को अपने हाथ से जबा कर रहे हैं साथ ही आंख खुल गई इब्राहिम जानते थे कि अम्बिया किराम के खब हकीकत होते हैं अल्लाह की तरफ से वही होते हैं और शैतान किसी सूरत उनके खाब में नहीं आ सकता लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का पुख्ता इरादा कर लिया किसी किस्म की परेशानी का शिकार न हुए अल्लाह रब्बुल रबुल्जत ने इस अजीम और ताजुब खेज वाक़े का कुरान मजीद में जिक्र करते हुए फरमाया اني ذاهب الى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم और इब्राहिम ने कहा मैं तो हिजरत करके अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूँ वो जरूर मेरी रहनुमाई करेगा ए मेरे रब मुझे नेक वक्त औलाद अता फरमा तो हमने एक बुरबार बच्चे की बशारत दी फिर जब बच्चा इतनी उम्र को पहुंचा कि उसके साथ चलने फिरने लगा तो इब्राहिम ने कहा मेरे प्यारे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे जबा कर रहा हूं, अब तू बता तेरी क्या राय है यहां सवाल पैदा होता है कि इब्राहिम अल्हम ने इस्माइल असलाम से मशवरा क्यों लिया वो चाहते तो इस्माइल को सोते में जब कर देते इस तरह अल्लाह का हुक्म बजा लाते वो बेटे के पास क्यों गए और उनसे मशवरा क्यों लिया? जी हाँ ये मसला याद रखने के काबिल है कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाई को अजर सवाब में शामिल करने की कोशिश करे इब्राहिम अलहलाम ने बेटे को स्वब में शामिल करने के लिए उन्हें अल्लाह के हुक्म से आगाह किया ये चाहा कि मैं अकेला ही अजर लेता रहूं, बल्कि दूसरे की खैर खाही को पेश नजर रखा के लिए आपके इस अंदाज में नसीहत मौजूद है ये के को के करें। उनकी सही تربیت करें अगर सदका करने का मौका मिले तो बच्चों के जरिए सदका कराए ताकि उन्हें भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की आदत पड़े जब किसी دینی مجلس में बैठने का मौका मिले तो अपनी औलाद को भी साथ लेकर जाए बेशुमार लोग खुद तो जाते हैं औलाद को जाने के लिए कहते भी नहीं खुद दीन सीखते हैं औलाद को दीन नहीं सिखाते इब्राहिम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से राय ली सुभान अल्लाह उन्होंने जवाब में फरमाया या जान, आपको जो हुक्म मिला है कर गुजरिए नहीं कहा कि मुझे तो हुक्म नहीं हुआ बल्कि फौरन सरे तस्लीम खम कर दिया इसलिए कि वो जानते थे अंबिया का ख़ाब हकीकत पर मबनी होता है अल्लाह की वही होता है इसलिए बिल्कुल परेशानी जाहिर न की ये तक न पूछा मुझे क्यों जबाह कर रहे हैं या मेरा क्या जुर्म है या आपके पास कौन सा सरी हुक्म आया है उन्होंने ऐसी कोई बात न कही अल्लाह की फरमाबरदारी इसी को कहते हैं चुनाचे अपने बाप से कहा अब्बा जान आपको जो हुक्म हुआ है उसको कर गुजरिए इन आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे ओलामाए किराम फरमाते हैं इस जुमले से उनका इंतहाई अदब और एहतराम शामिल है और इसमें जबरदस्त तवक् मौजूद है ये नहीं कहा कि आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे बल्कि आपने अल्लाह की मशीयत को जुमले में शामिल किया और फरमाया इन शह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे लिहाजा मुसलमानों को धोखे में नहीं पड़ना चाहिए ये न कहे मैं सफर करूंगा मैं फुला काम करूंगा मैं फुला काम के करने की ताकत रखता हूँ बल्कि यूं कहे अल्लाह ने चाहा तो मैं सफर करूंगा अल्लाह ने चाहा तो फुला काम करूंगा अपने इल्म और ताकत के धोखे में पड़ना सरासर नादानी है हर चीज का ताल्लुक अल्लाह से कायम करे जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं और हरगिज हरगिज किसी काम पर यू न कहना कि मैं इसे कल करूंगा मगर साथ ही इनशाला कह लेना अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से सजा कर रखो और हमेशा अपने मामला को अल्लाह की तरफ लौटाओ बहर हाल बाप बेटा दोनों ही मुसम्म इरादे के साथ अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए पेश हो गए इसमाइल असलाम ने अपने वालद मुहतरम सैदना इब्राहिम से कहा जब आप मुझे जबह करने लगे तो मेरी पेशानी को जमीन पर रख दीजिएगा ताकि आपको मेरा चेहरा नजर न आए और कहीं आपके हाथ रुक न जाए चेहरा देखकर आप पर शफकत पिदरी गालिब ना आ जाए अब इब्राहिम ने बेटे की पेशानी पकड़कर जमीन पर लिटा दिया जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया फलमा अस्लमा लिल जब दोनों मुती हो गए और इब्राहिम ने उसे पेशानी के बल लिटा दिया अब उन्होंने छुरी पकड़ी और गर्दन पर चला दी लेकिन छुरी ने गर्दन न काटी बिल्कुल उसी तरह जैसे आग ने इब्राहिम को नहीं जलाया था इसलिए कि छुरी में काटने की ताकत और आग में जलाने की सलाहियत अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आ सकती अल्लाह ने दोनों से ये ताकतें सल्ब कर ली अब इब्राहिम जोर लगा रहे हैं उधर इस्माइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अब्बा जान जल्दी कीजिए छुरी चलाइए अल्लाह ताला ने इस वाके का जिक्र यूं फरमाया है जब वो दोनों मुती हो गए और इब्राहिम ने उसे पेशानी के बल लिटा दिया इस मुती होने से मुराद अल्लाह के हुक्म को नाफिज करना है अब जाहिर है मुती तो वो पहले भी थे लेकिन यहाँ असलमा यानी मुती होने से मुराद कामिल इस्लाम है निहायत वाजह और हकीकी इस्लाम मुराद है इसलिए कि कामिल इस्लाम वही होता है जिसमें बगैर किसी तरद और तवकफ के अल्लाह के अमर और नहीं की तस्दीक की जाए ये था हकीकी इस्लाम हाँ तो छुरी चलती रही गला न कटा इसलिए कि इम्तिहान और आजमाइश की तकमील हो चुकी थी ये बात साबित हो चुकी थी कि अल्लाह का हुक्म नाफिज करने में दोनों पूरी तरह कोशा हैं। अल्लाह ती फरमा बरदारी ही का सिला अता फरमाते हैं चुनाचे आवाज आई हमने उसे पुकारा एब्राहिम तू ने खाब को सच कर दिखाया यकीनन हम इसी तरह नेकोकारों को जजा दिया करते हैं यकीनन ये एक खुली आजमाइश थी तारीख का एक अजीम तरीन इम्तिहान और कड़ी आजमाइश दुनिया को आज भी हैरत में डाल देती है कौन है जो बेटे को जबह करने पर तैयार हो जाए खास तौर पर इस सूरत में जब औलाद भी इकलौती हो जिसकी वजह से छियासी साल के बाद आंगन में बाहर आई हो फिर उसकी कुर्बानी का भी हुक्म नहीं दिया गया था इशारा तन में रहनुमाई की गई थी आप कह सकते थे ये और संगीन जुर्म है कह सकते थे अपने बेटे को किस जुर्म में कत्ल करूं? लेकिन आपने बगैर किसी तामुल के सरे तस्लीम ख़म कर दिया और इस अजीम इम्तिहान में कामयाब हुए अल्लाह फरमाते हैं और इब्राहिम वो हैं जिन्होंने वफादारी की इस आयत में ये नहीं बताया गया कि किस चीज में वफादारी की इसलिए कि वो तो हर मामले में मुकम्मल तौर पर वफादारी का मुजाहरा कर चुके थे आग में डाले जाने वाला मामला बीवी और बच्चे को लकोदक मैदान में छोड़ आने का मामला फिर जबह का इम्तिहान, तामीर बैतुल्लाह की मशक्कत गरज हर मामले में वफादार थे के के अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में इस कदर वफादार के अबू जीफान के लकब से मशहूर हो गए इसका माना है मेहमान नवाज किसी मेहमान को दस्तरखान पर अपने साथ बिठाए बगैर एक लुकमा नहीं खाते थे बाहर निकलते मेहमान तलाश करते फिर उसके साथ मिलकर खाना खाते मेहमान न मिलता तो सख्त गमगी हो जाते इस तरह उन्होंने अल्लाह के हर हुक्म की पासदारी की जबह वाले इस इम्तिहान का अल्लाह ने उन्हें क्या सिला दिया अल्लाह फरमाते हैं हमने उसे अजीम जबीहे का बदला अता किया हाँ तो हम बता रहे थे छुरी ने गला न काटा ऐसे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक आवाज सुनी आवाज पीछे से आई थी उन्होंने मुड़कर देखा अलैहिस्सलाम नजर आए वो आसमान से एक मेढा लेकर आए थे वो मेंढा जन्नत में चालीस साल तक चरता रहा सफेद रंग कुशादा आंखों खूबसूरत सींगों वाला हसीनो जमील मेंढा था बहरहाल ये इब्राहिम की वफादारी का बदला था जो इस्माइल सलाम के में दिया गया और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हुक्म हो गया कि अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी और हदी पेश करते रहें। काबे के पास हरम इलाही में हर साल ये सुन्नत अदा की जाती है और इनके साथ साथ पूरी जमीन के तमाम खितों पर बसने वाले मुसलमान भी इस अजीम फरमाबरदारी की अलामत के तौर पर कुर्बानियां पेश करते हैं मेंढे के जिक्र का मतलब ये है कि हम सुन्नत इब्राहिमी पर गामजन हो जाएं। ये मेंढा हमें अल्लाह के लिए कुर्बानी का सबक देता है हमें चाहिए सुन्नत इब्राहिमी की इक्तदा करते हुए हम अपनी जानों अपनी औलाद और अपने मालों को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए अल्लाह ताला फरमाते हैं وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين और हमने उसे अजीम जबीहा अता किया और हमने उसका पिछलों में जिक्र खैर छोड़ा सलामती हो इब्राहिम पर इसी तरह ही हम नेकोकारों को जजा देते हैं यकीनन वो हमारे मुखलिस बंदों में से था और इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं और हमने उसे नबी हाँ की, वलादत की सुनाई। ये खुशखबरी एक इकलौते बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाने के सिले में और सारा की अजमत और तकरीम के मद्देनजर अल्लाह ने इस हाक की खुशखबरी सुना दी ये आयत जबह के वाकई के बाद अल्लाह तिक्र फरमाई है इसलिए मालूम हुआ पिछली आयत में इस हाक के अलावा किसी और बेटे का जिक्र हुआ है और वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे जबकि यहूदी रिवायात में इस अलैहिस्सलाम को जबी करार दिया जाता है ये बिल्कुल गलत है जबह के वाके के बाद इस अलैहिस्सलाम की भीत मिल रही है फिर भला वो पैदा होने से पहले ही जबी कैसे बन गए इसलिए ये कतई बात है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ही जबी हैं। इसके कई और भी दलाल हैं जिनके जिक्र करने का यहाँ मौका नहीं बहरहाल इस अजीम आजमाइश में बेमिसाल के बाद, अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन आए और 120 साल की उम्र में अलैहिस्सलाम की बशारत मिली जबकि सारा की उम्र 90 साल थी उन पर बुढ़ापा तारी हो चुका था ऐसे में तीन फरिश्ते आए वो तो कौम लूत की तबाही के लिए आए थे रास्ते में अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम और उनकी आहलिया सारा को खुशखबरी सुनाई और इस गरज के लिए वो इंसानी शक्ल में आए थे इब्राहिम तो पहले ही बहुत मेहमान नवाज थे उन्हें देख कर बहुत खुश हुए कि मेहमान आ गए फरिश्तों ने उन्हें सलाम किया इब्राहिम ने सलाम का जवाब दिया वो हैरत जदा थे कि ये लोग उनकी बस्ती के रहने वाले तो हैं नहीं लेकिन उन पर सफर के निशानात भी नहीं हैं जैसा कि दूर से चलकर आने वालों में होते हैं न उनके पास सवारियां हैं कुरान मजीद में आता है कौन सल कौ क्यों फरिश्तों ने सलाम किया तो इब्राहिम ने भी सलाम किया और दिल में ख्याल किया ये अजनबी लोग हैं फिर वो अपनी मेहमान नवाजी की आदत के मुताबिक उन्हें अंदर ले आए उनके लिए खाने का इंतजाम किया अल्लाह ताला फरमाते हैं सलाम। फमा हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर आए तो उन्होंने सलाम किया इब्राहिम ने सलाम का जवाब दिया और फौरन भुना हुआ बछड़ा ले आए और बछड़ा भी मोटा था उनके सामने खाना पेश किया लेकिन वो भला कब खाने की तरफ हाथ बढ़ाने वाले थे यह देखकर इब्राहिम ने खौफ महसूस किया कि कहीं ये दुश्मन न हो उस वक्त फरिश्तों ने कहा इब्राहिम नडर हम तो कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं जब उन्होंने ये बातें की तो सारा पास खड़ी थी वो हंसने लगी वो खुशखबरी से पहले क्यों हंस पड़ी इस बारे में कहते हैं कि जब उन्होंने सुना ये फरिश्ते की बस्ती को तबाह करने जा रहे हैं, तो उनके खात्मे की खबर सुनकर वो हंसती इसके बाद फरिश्तों ने ये खुशखबरी सुनाई हमने उसे इसहाक की पैदाइश की खुशखबरी दी और इसहाक के बाद याकूब पोते की भी खुशखबरी दी बहुत जल्द ही हम इसहाक से तेरी वीरान गोद को आबाद करेंगे और तू अपनी जिंदगी में उसके बेटे याकूब को भी देख लेगी अब तीन बिशारते जमा हो गईं। बेटा पैदा होगा लंबी उम्र मिलेगी यानी बेटा जवान होगा और फिर वो अपने पोते को भी देखेगी इससे बढ़कर क्या इज्जत और तकरीम हो सकती है इसलिए जब नबी करीम वसल्लम से पूछा गया करीम यानी इज्जत वाला कौन है तो आपने फरमाया करीम बिन करीम बिन करीम बिन करीम, करीम यानी यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम मतलब ये कि नबी बिन नबी बिन नबी बिन नबी ये म की शान है कि खुद भी करीम बाप भी करीम दादा भी करीम और परदादा भी करीम इससे बढ़कर इज्जत अफजाई क्या हो सकती है बहरहाल फरिश्तों ने उन्हें खुशखबरी दी वो बश फिर उन्होंने इब्राहिम को एक साहेब इल्म लड़के की बशारत दी खुशखबरी सुनकर सैदा सारा हैरान हुई मारे हैरत के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई उन्होंने अपने रुखसार पर हाथ मारा जैसा कि औरतों की आदत होती है कहने लगी हाय अफसोस क्या मैं बच्चा जनूंगी? हालांकि मैं बांझ हूं और मेरे खामन बूढ़े हैं। ये तो हैरत की बात है एक दूसरी जगह अल्लाह ताला ने ये अल्फाज फरमाए कहने लगी मैं बूढ़ी और बांझ हूं भला मैं बच्चे को कैसे जन्म दूंगी इस पर फरिश्तों ने कहा तू अल्लाह के हुक्म पर ताजुब करती है ए बैत ये तो अल्लाह की तुम पर रहमत और बरकत है वो बहुत बुजुर्ग और काबिल तारीफ है दूसरी आयत में है उन्होंने कहा इसी तरह तेरे रब ने फैसला किया है और हमें कहा है यकीनन वो बहुत हिम्मत वाला है और इल्म रखने वाला है ये थी इस हाकम की विलादत की खुशखबरी इब्राहिम मक्के में सैदिना इसमाइल से मिलने के लिए आते रहते थे एक रोज आए तो उनसे कहा ए मेरे बेटे अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मकाम पर अल्लाह का घर तामीर करना इस्माइल अलैहि सलाम ने फौरन कहा मैं हाजिर हूं इस तरह उन्होंने खुदाई शुरू की ऐसे में उन्हें शीस अलैहि सलाम की तामीर के आसार नजर आए उन्होंने उस पर तामीर शुरू कर दी एक रिवायत में यह भी है कि उन्होंने फरिश्तों वाली बुनियादों के आसार भी देखे नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के दिनों में जब मक्के के कुरैश ने काबे की तामीर नए सिरे से की तो उन्होंने उसकी बुनियादों को गहरा करना चाहा वो खुदाई करते उन सबसे पत्थरों तक पहुंच गए जो पहाड़ों की चोटियों की तरह नजर आ रहे थे उन्होंने उन पत्थरों को निकालना चाहा एक शख्स ने कुदाल के जरिए एक पत्थर को बाहर निकाला तो उसके नीचे से इतना नूर निकलने लगा कि करीब था वो शख्स अंधा हो जाता फिर पत्थर खुद ब खुद नीचे जा गिरा और अपनी जगह पर जम गया इसके बाद लोगों ने उन पत्थरों को हाथ न लगाया और तामीर शुरू कर दी कुरान मजीद में तामीर काबा और बैतुल्ला का तस्करा इस तरह आया है और जब हमने बैतुल्लाह के मकान में इब्राहिम को जगह दी और फरमाया कि मेरे साथ शिरक न करना और मेरे घर को तवाफ क्याम और रुकु सजूद करने वालों के लिए पाक रखना اور فرمایا. ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم हु बेशक लोगों के लिए जो पहला घर तामीर किया गया है वो मक्का में है वो जहान वालों के लिए बरकत और हिदायत का जरिया है उसमें वाजे निशानियां हैं मसलन मकाम इब्राहिम तो जो कोई हरम में दाखिल होगा वो अमन में आ जाएगा और फरमाया और याद करो उस वक्त को जब इब्राहिम को उसके परवरदिगार ने कई बातों के जरिए आजमाया वो उनमें पूरे उतरे तो अल्लाह ने फरमाया मैं आपको तमाम लोगों का इमाम बना रहा हूँ इब्राहिम ने कहा ए मेरे रब मेरी औलाद में से भी इमाम बनाइए जवाब में अल्लाह ने फरमाया मेरा इमामत का वादा जालिम लोगों के लिए नहीं है और उस वक्त को याद करो जब हमने बैतुल्लाह को सवाब और अम की जगह बना दिया और लोगों ने मकाम को जाए नमाज बना लिया हमने इब्राहिम को हुक्म दिया कि मेरे घर को तवाफ, एतिकाफ रुकू और के लिए पाक रखो और वो वक्त भी याद रखो जब इब्राहिम ने दुआ की ऐ परवरदिगार इस शहर को अमन वाला बना दे और इसके मोमिन बंदों को फलों का रिस्क अता कर अल्लाह ताला ने फरमाया मैं काफिरों को भी थोड़ा फायदा दूंगा फिर उन्हें आग के अजाब की तरफ बेबस कर दूंगा ये पहुंचने की जगह बुरी है और वो वक्त याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादों को बुलंद कर रहे थे और दुआ मांग रहे थे ऐ हमारे रब हमारी मेहनत को कबूल फरमा तू दुआ को सुनने वाला जानने वाला है और हमें अपना फरमा बरदार बना हमारी औलाद में से भी एक फरमा बरदार गुरोह बना और हमें इबादत का तरीका सिखा और हम पर रुजू फरमा क्योंकि तू ही तोबा कबूल करने और राह फरमाने वाला है ऐ हमारे रब इन लोगों में इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयत की तिलावत करे और इन्हें किताब और हिकमत सिखाए इन्हें पाक करे यकीनन तू गालिब हिकमत वाला है तामीर के दौरान जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मकाम तक पहुंचे जहां आज हजर असवद है तो अल्लाह ताला ने जन्नत से एक सफेद पत्थर भेजा हदीस में है ये पत्थर निहायत सफेद था अब स्याह हो गया है इंसानों की गलतियां इसके स्वाह होने का सबब बनी जब दीवारें इंसानी कद के बराबर हो गईं तो इस्माइल इस्माईलम एक पत्थर ले आए अब इब्राहिम उस पत्थर पर खड़े हुए वो नंगे पांव थे उसी वक्त पत्थर पिघल गया उनके पांव उसके अंदर किसी कदर धस गए पत्थर पर उनके पैरों के निशानात आ गए इसी पत्थर को आज मकाम इब्राहिम कहा जाता है पहले ये पत्थर बैतुल्ला की तो के के निशाना देखने के लिए यहाँ हुजूम हो जाता इस तरह तवाफ करने वालों को दिक्कत का सामना होता सैयदिना उमर रजी अल्लाह ने सहाबे के राम के मशवरे से इस पत्थर को इस जगह से कदरे हटाकर नमाज की सफों के करीब कर दिया ताकि तवाफ करने वालों को दिक्कत न हो यह मकाम बहुत मुकद्दस है अल्लाह ने फरमाया है तुम मकाम इब्राहिम को जाए नमाज मुकर कर लो मकाम इब्राहिम के करीब इसके पीछे होकर नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए तो लाज़मन वहाँ दो रकात अदा किया करो मौका न मिले तो फिर पूरी मस्जिद हराम में तवाफ से फरागत वाली दो रकात पढ़ लिया करो इस तरह काबा तामीर हुआ तब नया हुक्म आया लोगों में जो इस्तात रखे उस पर अल्लाह के लिए हज बैतलह फर्ज है और जो शख्स जान बूझ कर एराज करे तो अल्लाह जहानों से बेनियाज है और उसे इसकी कोई परवाह नहीं उधर इब्राहिम को अल्लाह ताला की तरफ से इशारा हुआ लोगों में हज का ऐलान कर इब्राहिम कहने लगे अल्लाह मेरी आवाज भला किस किस तक पहुँचेगी जवाब आया आपके जिम्मे आवाज लगाना है पहुँचाना हमारा काम है चुनाचे आप अराफात के एक पहाड़ पर चढ़े और आवाज लगाई। लोगो बैतुल हराम का हज करो अल्लाह ताला ने मौजाना तौर पर यह आवाज तमाम इंसानों तक पहुंचा दी खाव पैदा हुए थे या नहीं दूसरा मौजा ये हुआ कि अल्लाह ने बैतुल्ला और उसके हज की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी अल्लाह ने फरमाया और आप लोगों में हज का ऐलान कर दें वो आपकी तरफ पैदल भी आएंगे और दुबले पतले ऊंटों पर भी दूर दूर से आएंगे इस तरह लोग पैदल और सवार होकर कसरत से हज के लिए आने लगे और ये वीरान इलाका आबाद होने लगा ये थे और उनकी वफात से कुछ ही अरसा बाद सैदा सारा एक सौ सत्ताईस साल की उम्र में फौत हो गईं। इन दोनों की वफात के बाद आप गमगी आखिर इतनी مدت तक साथ रहा था आप खलीलुर्रहमान थे आप पर सहीफे भी नाजिल हुए आप अल्लाह के बेहद शुक्रगुजार थे